नमस्कार, ब्रॉली देसी खजाना में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे दक्षिण ओडिशा की फेमस टमाटो राइस। दक्षिण भारत में भी ये वाला रेसिपी बहुत फेमस है। आइए पहले देख लेते हैं क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। देखिए, ये जो मैं बासमती राइस मतलब चावल पूरा बना दी हूँ, बासमती चावल लेके इसी कप में मैं ली थी 2 कप। आप अपने हिसाब से जितना आपको बनाना है इसी हिसाब से आप अपना क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मैं उसको पूरा मतलब राइस को बना दी हूँ, ये बासमती राइस है, इसको बना दी हूँ। बनाने के टाइम में आप जो पानी में खड़ा मसाला थोड़ा डालिएगा, मतलब जैसे काली मिर्च और दालचीनी का एक टुकड़ा, ऐसे ही आपको पानी में बॉयल पानी में आपको जब पानी बॉयल करोगी राइस बनाने के टाइम में ये सब डालना है। छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी का एक टुकड़ा ऐसे डाल के उसको बनाएंगे तो हमारा जो चावल मतलब बहुत अच्छा खुशबू आएगा वो जो राइस। ठीक है, अभी दूसरा सामग्री देख लेते हैं। टोमेटो राइस में तो मेन इंग्रेडिएंट टोमेटो ही होगा। मैं 4 बड़े साइज़ का टोमेटो को इसी साइज में काटी हूँ। 2 बड़े प्याज ऐसे काटना है। रोस्टेड मूंगफली पीनट्स, ये है अदरक, कुटा हुआ अदरक, लहसुन को ऐसे में छोटे छोटे टुकड़े में काटी हूँ। ये गार्निशिंग के लिए हम लोग का धनिया का पत्ता, और ये है करी पत्ता, 2 हरी मिर्च, देसी घी 2 टेबल स्पून, और ये देखिए हम लोग जब लगाएंगे तड़का तो इसमें देखिए मस्टर्ड सीड्स, जीरा, और ये है उड़द दाल और चना दाल, इसको हम लोग लेंगे। 1/2 टीस्पून में ली हूँ सबको। और ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, आप अगर चाहोगे तो लाल मिर्च पाउडर ले सकते हो, मैं काश्मीर लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, नमक स्वाद अनुसार और हींग। और ये भी हम लोग जब बनाएंगे उसका जो राइस बनाने टाइम ये खड़ा मसाला भी लेना है। 2 हरी इलायची, छोटे से दालचीनी का टुकड़ा, और 3 लौंग और काली मिर्च, 7-8 काली मिर्च। आइए उससे टमाटो राइस को बनाना शुरू करते हैं। देखिए गैस पर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल मैं डालती हूँ। अभी उसमें हम लोग तेल गर्म हो गया है, अभी उसमें हम ये जो हम रखे थे जो मस्टर्ड सीड और क्यूमिन सीड, उड़द दाल और चना दाल, उसको डालें। ये सब चटकने के बाद हम लोग दूसरा चीज डालेंगे। अभी उसमें हमारा जो खड़ा मसाला था 2 छोटी इलायची, काली मिर्च और ये उसको डाल देंगे। छोटी इलायची डालने के टाइम में हमेशा उसको उसको ऐसे तोड़ के ही आपको डालना है तो उसका खुशबू ज़्यादा आएगा। देखिए इसे तोड़ के डालना है, और ये जो बाकी जो है दालचीनी, लौंग और काली मिर्च को डाल दीजिए। देखिए ये अभी हमारा हो रहा है, इसमें अभी हम डालेंगे ये जो करी पत्ता, क्योंकि दक्षिण ओडिशा और दक्षिण भारत में जो भी आइटम उन लोग बनाते हैं उसमें करी पत्ता लोग जरूर डालते हैं, और ये जो हरी मिर्च है वो दो भी डाल देंगे। अभी उसमें हम लोग जो कटा हुआ लहसुन इसको डालेंगे। गैस को लो फ्लेम पर ही रखना है अभी,
बढ़िया खुशबू आ रहा है। अभी ये जो अदरक इसको डालेंगे, कटा हुआ प्याज, अभी गैस को थोड़ा मीडियम पर रखेंगे। देखिए अभी प्याज थोड़ा नरम हो रहा है, और नरम करने के लिए हम लोग ये जो नमक है उसको डाल देंगे। नमक स्वाद अनुसार आपको डालना है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा नरम होने के बाद हम लोग टमाटर मिलाएंगे। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन आएगा, उसे दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से जो भी नोटिफिकेशन, जो भी रेसिपी, मैं न्यू रेसिपी डाउनलोड करूंगी आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। हो गया, अभी इसमें हम टोमेटो डालेंगे। देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे नरम होने तक। अभी देखिए थोड़ा सा हींग हम लोग डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। अभी हल्दी पाउडर, कश्मीर लाल मिर्च पाउडर, आप अगर चाहोगी तो लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ये मिर्च पसंद है तो ये आप स्किप कर सकते हो। और धनिया पाउडर इसको मिक्स कर देंगे। और 5 मिनट पकाएंगे टमाटर को नरम होने तक। ये वाला बहुत आसानी से बन जाता है और जल्दी ही बनता है, इसलिए ये लंच बॉक्स रेसिपी है। आप उसे आराम से बना के अपने लंच में, लंच बॉक्स में ले सकते हैं। अभी ये जो रोस्टेड मूंगफली है उसको डाल दें। इसमें अभी हम एक स्पून देसी घी डाल देंगे और बाकी ऊपर में डालेंगे। हेल्दी और स्वादिष्ट होता है। इसी टमाटो राइस को आप बूंदी रायता के साथ या दही के कोई भी आइटम के साथ और अचार के साथ भी आप खा सकते हैं। देखिए हमारा टमाटो इतना जो हमारा मसाला है नरम हो गया है। अभी हम राइस को ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे।
फिर हम ऊपर में थोड़ा सा धनिया का पत्ता डाल देंगे, फिर बाकी का ऊपर में गार्निशिंग के लिए डालेंगे। अच्छी तरह से उसको मिक्स करते हैं, चावल में ये कोटेड हो जाएगा। देखिए ये हो गया है। अभी ऊपर में हम ये जो बाकी का जो हमारा देसी घी था उसको हम ऊपर में डालें, लो फ्लेम पर उसको इसे मीन 2 मिनट के लिए इसे उसको पकाएंगे, उसके बाद वो सर्व के लिए रेडी हो जाएगा। देखिए ये पूरा खिला खुल खिला चावल लो फ्लेम पर 1 मिनट उसको पका देंगे। देखिए 1 मिनट हो गया है, हमारा टमाटो राइस पूरा रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। अब गैस अभी बंद कर देंगे। ऊपर में धनिया का पत्ता डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। देखिए हमारा टमाटो राइस रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। आप ये वाला रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही आसान है बनाने के लिए और उसका स्वाद ही बहुत बढ़िया होता है ये, क्योंकि दक्षिण ओडिशा दक्षिण भारत की फेमस रेसिपी है। आप ये रेसिपी अपने घर में ज़रूर ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स पर ज़रूर शेयर करिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।